इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिस जानवर को देख रहे हैं उसका नाम है लेपर्ड सील। शक्ल से जीव जितना मासूम लग रहा है, वास्तव में जीव उतना ही खतरनाक हत्यारा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये मासूम सा दिखने वाला लेपर्ड सील शिकार करते हुए किसी पेंगुइन को पकड़ता है तो सबसे पहले उस पेंगुइन के साथ अवैध संबंध बनाता है। आपको सुनकर थोड़ी हैरानी या फिर बेतुकी बात लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उसके बाद ये मासूम सा दिखने वाला लेपर्ड सील उस पेंगुइन को उठा उठाकर बर्फ की चट्टानों या फिर पानी पर पटकता है और तब तक पटकता रहता है जब तक कि उस पेंगुइन की मौत न हो जाए, और उसके बाद उस पेंगुइन के शरीर के चीथड़े उड़ाकर उसको हजम कर जाता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस लेपर्ड सील का चेहरा एकदम मासूम सा दिखता है वो कितना खतरनाक हथियारा है। और आज के वीडियो में हम आपको हमारी पृथ्वी पर रहने वाले जंतु जगत के कुछ ऐसे खतरनाक हथियारों के बारे में बताने वाले हैं जो अपने शिकार पर हमला करके उसे खाने के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार को अजीबोगरीब अंदाज में मौत की घाट उतारने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनमें से कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनके शिकार करने के तरीके को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने ही रहना बस। जंगली कुत्ता। कुत्ता जिसे हमारी दुनिया का सबसे वफादार जानवर माना जाता है, लेकिन बात अगर जंगली कुत्ते की जाए तो शायद ही जंगल में उससे खतरनाक कोई जानवर मौजूद होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जंगली कुत्ते झुंड बनाकर रहते हैं और उनके एक झुंड में 2 दर्जन से ज्यादा कुत्ते हो सकते हैं, और वो कितने खतरनाक होते हैं उसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि शेर जैसा जंगल का राजा भी जंगली कुत्तों के झुंड से पंगा लेने से डरता है। अब बात आती है असली मुद्दे की। सबसे पहले तो आपको बता दें जंगली कुत्ता जब अपने किसी शिकार का पीछा करता है तो वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार के पीछे पीछे दौड़ता है। लेकिन जंगली कुत्ते के द्वारा किए जाने वाले शिकार की सबसे खास बात ये है कि कुत्ता अपने शिकार के पीछे लगातार दौड़ता रहता है और ठीक उसके पीछे उसके झुंड के सभी कुत्ते धीमी रफ्तार से दौड़ रहे होते हैं। जैसे आगे चलने वाला कुत्ता थक जाता है तुरंत उसकी जगह दूसरा कुत्ता आ जाता है, और इसी तरह वे सभी जंगली कुत्ते आपस में मिलकर अपने शिकार का कई किलोमीटर दूरी तक पीछा कर रहा होता है। और एक वक्त आता है जब शिकार थक कर वहीं ढेर हो जाता है, और अब बारी आती है जंगली कुत्ते की बर्बरता की। एक लंबे समय तक शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते जंगली कुत्ते भूख से बेचैन हो जाते हैं, और अपनी भूख को दूर करने के लिए जंगली कुत्तों का समूह अपने शिकार को मरने तक का भी इंतजार नहीं करता और अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार तो ऐसा होता है जब तक जंगली कुत्ते का शिकार मरता है तब तक जंगली कुत्ते उसे खाकर लगभग आधा खत्म भी कर चुके होते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक शिकार जिसे मरने तक का भी वक्त नहीं मिलता उसे आधा खाकर खत्म कर दिया जाता है, ये कितना खतरनाक मंजर होगा। यही वजह है कि जंगली कुत्तों को जानवरों की दुनिया का सबसे खतरनाक हत्यारा माना जाता है। आपको इस वीडियो को अंतिम तक देखना चाहिए क्योंकि मैं आगे एक ऐसे जीव के बारे में बताऊंगा जो दिखने में मीडियम साइज का ही है, लेकिन वो चाहे अपने आकार को 7 फुट बड़ा करके हवा में उड़ान भरता है। लेकिन उससे पहले आइए उस जीव के बारे में जानते हैं। लेपर्ड सील, ये खतरनाक समुद्री जीव जिसका नाम लेपर्ड सील है, जब आप इसे पास से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे मासूम जानवरों में से एक है। लेकिन इस मासूम से शक्ल के पीछे एक ऐसा दरिंदा चेहरा छुपा है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मासूम से शक्ल वाले जानवर के जबड़े इतने खतरनाक होते हैं कि इसे अंटार्कटिका का मगरमच्छ कहते हैं। जब एक खतरनाक जबड़े वाला जानवर अपने शिकार को पकड़ता है तो उसका गला घोंटकर नहीं मारता बल्कि कुछ ही मिनटों के अंदर अपने शिकार के शरीर के चीथड़े उड़ा देता है। लेपर्ड सील का सबसे पसंदीदा शिकार है समुद्र में पाए जाने वाली पेंगुइन, लेकिन जब ये पेंगुइन को पकड़ता है तो उसके बाद उसके साथ एक ऐसा खतरनाक बर्ताव करता है जिसे जानने के बाद आपको इस जानवर से नफरत हो जाएगी। दरअसल जब लेपर्ड सील किसी पेंगुइन को पकड़ता है तो सबसे पहले उसे बाहर जमीन पर लेकर आता है और उस पेंगुइन के साथ अवैध संबंध बनाता है, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। भले आपको यकीन न हो रहा हो लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अवैध संबंध बनाने के बाद लेपर्ड सील अपने शिकार को वापस पानी के अंदर या फिर बर्फ के पास लेकर जाता है और उसे बर्फ या फिर पानी के ऊपर तब तक पटकता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, और मरने के बाद अपने शिकार के शरीर के चीथड़े उड़ाकर उसे हजम कर जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लेपर्ड सील का वजन कभी कभी 300 किलो से ज्यादा हो जाता है, और अब तक कई मामले ऐसे आ चुके हैं जब ये सील इंसानों के ऊपर भी हमला कर चुका है। हालांकि बर्फीले इलाकों में रहने की वजह से वैज्ञानिकों को इस जानवर के बारे में ज्यादा अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस जानवर के कारनामों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि हमारी पृथ्वी पर रहने वाले सबसे खतरनाक दरिंदों में से एक है।
दोस्तों ये है वो 7 फीट वाला जीव बाज। बाज को पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है और ये पक्षी आसमान के उस ऊंचाई पर जाकर उड़ान भरता है जहां तक पहुंचना भी आम पक्षियों के बस की बात नहीं होती। और बाज को अपनी ऊंचाई का इस्तेमाल करना बखूबी आता है और यही वजह है कि बाज को भी पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। हम बात कर रहे हैं गोल्डन ईगल की, जो कि अमेरिका और एशिया के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बाज माना जाता है। जब ये बाज अपने पंखों को फैलाता है तो उसका आकार 7 फीट से भी चौड़ा हो जाता है और ये बाज अपने वजन से दुगने वजन के शिकारी को भी उठाकर हवा में उड़ा सकता है। खैर, अब बात करते हैं इस खतरनाक पक्षी के शिकार करने के तरीके के बारे में। जब ये बाज अपने से छोटे जानवर के ऊपर हमला करता है तो छोटा जानवर बाज के महज एक पंजे के वार से ही धराशाही हो जाता है। लेकिन जब बाज के सामने अपने शरीर से भी दुगने आकार का कोई बकरी या फिर भेड़ दिखाई देता है तो उस वक्त ये बाज एक खतरनाक चाल चलता है। बाज को इस बात का पता चल जाता है कि उसके पंजे के वार से लोमड़ी, बकरी या फिर भेड़ का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। वो बाज सबसे पहले उस बकरी को पकड़कर हवा में काफी ऊपर ले जाता है और ऊंचाई पर ले जाकर उस बकरी या फिर भेड़ को जमीन पर छोड़ देता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई 20 से 30 किलो का जानवर ऊंचाई से जमीन पर गिरेगा तो उसकी क्या हालत होगी। जमीन पर गिरते ही बकरी, भेड़ या फिर लोमड़ी दम तोड़ देता है, जिसके बाद बाज उसके शरीर के चीथड़े करके उसकी दावत उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये वजह कि बाज को जंतु जगत के सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में शामिल किया गया है। मगरमच्छ। कहने को तो यह खतरनाक जीव पानी के भीतर रहता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि मगरमच्छ 90% उन्हीं जानवरों का शिकार करता है जो जमीन पर रहते हैं। मगरमच्छ बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि जमीन पर रहने वाले जानवर दिन भर चाहे जहां भी रहे, लेकिन पानी पीने के लिए वो नदी, तालाब या फिर झील के पास जरूर आएंगे। मगरमच्छ इसी इंतजार में घंटों तक बिल्कुल शांत किसी नदी तालाब के किनारे पड़ा रहता है। वो अपने शरीर को इस तरीके से छुपाए रहता है कि चौकन्ना रहने वाला जानवर भी मगरमच्छ को देख नहीं पाता। और जैसे एक प्यासा जानवर अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी का पहला घूंट पी रहा होता है, ठीक उसी वक्त मगरमच्छ अपने खतरनाक जबड़े से उस पर हमला बोल देता है। मगरमच्छ के जबड़े में इतनी ताकत होती है कि एक बार अगर कोई जानवर उसके जबड़े के पकड़ में आ जाए तो उसका छूटने के चांसेस 10% भी नहीं रह पाते। मगरमच्छ जैसे ही अपने शिकार को अपने खतरनाक जबड़ों के बीच दबोचता है, उसे तुरंत खींचकर गहरे पानी के अंदर ले जाता है। शिकार अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और इसी बीच मगरमच्छ अपने शिकार के किसी एक अंग को पकड़कर अपने शरीर को किसी घिरनी की तरह घुमा देता है। और मगरमच्छ तब तक घूमता रहता है जब तक शिकार के शरीर का वो हिस्सा टूटकर उसके शरीर से अलग ना हो जाए और शिकार के शरीर के उस पूरे हिस्से को बिना चबाए ही निगल जाता है। मगरमच्छ का ये टेक्निक इतना खतरनाक होता है कि शिकार के मरने से पहले ही उसके शरीर को बिल्कुल चीर कर रख देता है। यही वजह है कि मगरमच्छ को भी पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसके जबड़े में एक बार फंसने का मतलब होता है मौत का सामना। सेक्रेटरी बर्ड। वैसे तो जब भी अफ्रीका का नाम आता है तो लोगों के सामने शेर का खतरनाक चेहरा आ जाता है, लेकिन अब हम आपको जिस खतरनाक पक्षी के बारे में बता रहे हैं वो अफ्रीका में पाए जाने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक पक्षी है, जिसका नाम सेक्रेटरी बर्ड है। इस खतरनाक पक्षी की लंबाई कभी कभी 5 फीट से भी लंबी हो जाती है, यानी कि किसी इंसान के बराबर। वैसे तो ये पक्षी दिखने में बड़ा खूबसूरत होता है, जिसके माथे पर मुकुट जैसी आकृति होती है, लेकिन इस खूबसूरत चेहरे के पीछे एक बड़ा ही खतरनाक चेहरा भी छुपा होता है। और ये वजह है कि इस पक्षी को भी दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में शामिल किया गया। दरअसल ये पक्षी जमीन पर रहने वाले छोटे मोटे जानवरों को अपना शिकार बनाती है और इन्हीं जानवरों में से एक होता है जहरीले से जहरीला सांप। आपको जानकर हैरानी होगी, जब ये पक्षी किसी सांप को देखती है तो उसके ऊपर अपने पंजे से इतना खतरनाक वार करती है कि एक ही हमले में अधिकतर सांपों की मौत हो जाती है। इसके पंजों में कितनी ताकत होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लो कि अगर ये पक्षी अपने पंजे से किसी इंसान के ऊपर हमला कर दे तो मुमकिन है उसके हमले से इंसान की हड्डियां चटक जाए। इतना ही नहीं, अगर ये सांप कभी पलटवार करके इस पक्षी की टांगों पर काटने की कोशिश करता है तो सांपों के दांत टूट जाते हैं, लेकिन इस पक्षी के लोहे से भी मजबूत टांगों पर कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, देखा आपने हमारी पृथ्वी पर प्रकृति ने कितना खतरनाक जानवरों और पक्षियों को बनाया है। वैसे देखा जाए तो इस पृथ्वी पर इंसानों से खतरनाक ना तो कोई जीव मौजूद है, ना ही इंसानों से खतरनाक कोई हथियारा मौजूद है।
वैसे आपकी नजर में हमारी पृथ्वी पर मौजूद दुनिया का सबसे खतरनाक हथियारा कौन है? अपने राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसी ही जानकारियां लाती रहती है।